हेलो दोस्तों, आज मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की टर्मोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होती है। यह टर्मोलॉजी जैसे मैथ में सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं, वैसे ही ड्राइंग में भी फार्मूले हैं, जिसका आप तो ड्राइंग बनाने में बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। बहुत सारे बच्चों से ये गलती होती है, तो यह चीज गलत कहा दिया है। आज मैं आप तो तीसरी लाइन को दो भागों में कैसे डिवाइड किया जाता है यह बता रहा हूँ, क्योंकि एक लाइन आप ए और बी, एक लाइन ए बी ड्रॉ करिए, सेम साइन नो ना पने पे ए बी एक लाइन ड्रॉ किया है, उसको नंबरिंग दे दिया है ए एन बी ए बी। अब हम इसे आधे से ज्यादा लेता, यानी हाफ से मैक्सिमम लेता, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ए तार्त ऊपर एंड ए तार्त नीचे। नीचे ए तार्त ऊपर, ऐसा ही सेम स्थिति ने ए तार्त ऊपर ए तार्त नीचे। यह आप नहीं तो हमें दो पॉइंट मिल गए, पॉइंट सी एन डी। इन पॉइंट और सी एन डी तो मिला दिया जाता है। यह अपना एक लाइन तो दो भागों में, सेम दो भागों में डिवाइड किया गया है, सेम दो भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ बहुत ज्यादा पे जैसे अपन तो बहुभुज या फिर पॉलीगॉन बनाना तो आता है, जब यह काम आप तो दिया जाता है। और अब किसी एंगल या कोण तो सब डिवाइड कैसे दिया जाता है, या फिर किसी कोण तो सम द्विभाजित कैसे दिया जाता है। मानो एक कोई एंगल है तो सम द्विभाजित कैसे किया जाएगा, एक एंगल ए एन। यह हमें एंगल दिया हुआ है, इस एंगल को सम द्विभाजित करना है, तो सम द्विभाजित करने के लिए हमें एक चार्त या आर्त या चाप लेना पड़ता है। यह चाप लिया है, इसको नंबरिंग दे दी ते एन यम और एन। इसी दूरी पर एक चाप, यहाँ पे दूसरा चाप, ये दोनों चाप या आर तथा क्रॉस पॉइंट ओ मान लिया। ऐसी क्रॉस पॉइंट से हमें ए से क्रॉस पॉइंट तो मिला देना है, अतः यह किसी भी एंगल तो सम द्विभाजित किया गया है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट किसी भी लाइन से पैरेलल तेजे लाइन ड्रॉ करना, किसी भी लाइन से पैरेलल तो लाइन तेजे ड्रॉ करना है, यह हमें सीखना है। माना ये लाइन ए ओ बी है, माना एक लाइन ए ओ बी है, ए बी
कुछ दूरी पे पॉइन शी वादी लिया जाता है, शी वादी लिया जाता है। पॉइंट सी एन पॉइंट डी, तो दूरी पे पॉइंट सी एन डी लिया जाए, पॉइंट सी एन पॉइंट डी। सेट स्क्वायर की सहायता से, सेट स्क्वायर की सहायता से हमें इस लाइन पे लाइट लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद कुछ दूरी पे एक आर्क लेकर इस तो आर्क लेकर क्रॉस पॉइंट लगान। अब हमें दो पॉइंट मिल चुके हैं, ई और एफ, ई एंड एफ। हमें इस दोनों पॉइंट को मिला देना है। यह दोनों लाइन ए बी एंड ई एफ लाइन पहला लाइन बन गई है। अब नेक्स्ट था हमें किसी लाइन पे कितने भाग डिवाइड करना है वो ड्रॉ करना है। इसके लिए एक लाइन ए बी, एक लाइन ए बी खींचे थे, लाइन ए एन बी। ये कितनी मान लो इसे हमें फाइव भागों में ड्रॉ करना है। यह लाइन इलेवन टेन पॉइंट नाइन, टेन पॉइंट नाइन सेंटीमीटर की लाइन है। इसे हमें सिक्स भागों में डिवाइड करना है, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है। सेम टेन पॉइंट नाइन को सिक्स भागों में डिवाइड करना है, तो वन हाँ 1.8 जो कि इम्पॉसिबल है। वन ए टू रेशी नहीं, ए टू रेशी आने के लिए हमें इसे शीर्ष भागों में डिवाइड करना है। तो इसके लिए एक लाइन इंक्लाइन एक लाइन खींची जाती है। इस इंक्लाइन लाइन को शीर्ष सेम छह भागों में डिवाइड किया जाता, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसे नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जो लास्ट वाला पॉइंट है उसे सेट स्क्वायर या रोलर स्टेल की सहायता से लास्ट वाले पॉइंट पॉइंट बी से मिला देना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये इक्वल सिक्स भागों में वन लाइन को डिवाइड
किया जाए यह रिवायत है तो इस तेल एन पॉलीडॉन में बहुत जरूरी है। वहाँ पर तीसरी लाइन तो सब डिवाइड करना है दो तीन या पांच भादों में, तो वहाँ पे इस प्रोसेस का फॉलो किया जाता है और मोर देन इस तेल में मान लीजिए तीसरी लाइन छोटी लाइन तो तीन भादों में डिवाइड करना है। ये लाइन है, यह लाइन 2.7 सेंटीमीटर की है, 2.7 सेंटीमीटर की है, 2.7 इसे तीन भागों में डिवाइड करना है जो कि इम्पॉसिबल है इस तरह की शायद, इसलिए हमें सम डिवाइड विधि का प्रयोग करना है। इस विधि से शायद आते हैं एक लाइन इंक्लाइन ड्रो करना है, एक लाइन इंक्लाइन ड्रो करना है, ड्रो करने के बाद तीन भागों में डिवाइड करना है। तो इस इंक्लाइन लाइन तो सेम तीन भागों में बांटा जाता है, ये अपन ने सेम तीन भागों में इस लाइन तो बांट रहा है। सात आठ नौ दस भागों में इस लाइन को बांट दिया है। अब हमें जो पॉइंट बी है, बी से लास्ट वाले पॉइंट तो मिला देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ एक लाइन तो सेम तीन भागों में डिवाइड किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह प्रोसेस इस तेल में फॉलो होती है जो कि आप तो आना चाहिए। इसी सम तुम दो भागों में डिवाइड करने की प्रोसेस, इसी सम तुम दो भागों में डिवाइड कैसे किया जाता है। यहाँ पे सम तो ने ए बी एम सी, यह सम तो ने इसे दो भागों में डिवाइड करने के लिए एक आर तक लिया जाता है। आर तक सहायता थे दो भागों में 1
इनको इशारत इशारत आते दो बात, इसलिए हमें ए पॉइंट यहाँ पर एन दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमें दो पॉइंट मिल जाए। इस दोनों पॉइंट ई आर क्रॉस पॉइंट की सहायता से हमें एक लाइन ड्रॉ करना। दो पॉइंट ऐसे डालते अपन इसको दो भागों में डिवाइड कर देते। थैंक यू, मेरे चैनल तो शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करे थी तेसा बना हुआ है।